अरविंद, अब तो अपने को बहुत माल हाथ लग गया यार, अब अपनी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ यार, मैं भी बहुत परेशान था, अब तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारेंगे, इतना माल देख के तो समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। अरे मैंने तो बहुत गरीबी उठाई, उसके बाद इतना माल मिल गया अपनों को, अपन तीनों एज की जिंदगी गुजारेंगे। भला हो बेचारो नंद होगा जिसने अपनों को इसकी खबर दी, अब क्या होगा, अपन तीनों ही मिलके बांट लेंगे। चलो इससे पहले कोई आ जाए जल्दी अपन तीन बार। अरे मुन्ना, अपने अपने। अरे रवि, मुझे लगता है कोई है यार, मैं देख के आता हूँ। रवि, एक प्लान मेरे दिमाग में आया है, क्यों ना अपन किशन को रास्ते से हटा दें। पर अपन किशन को हटाएंगे कैसे? ये पूरा माल अपन दोनों बांट लेंगे और किशन को रास्ते से हटा देंगे। तेरे दिमाग में क्या आइडिया आया है? चलो अब एक काम करते हैं, अभी रास्ता बंटवारा कर लेते हैं अपन लोग। कोई नहीं है क्या? इसका तो काम तमाम हो गया, चल अपन इससे बात कर लेते हैं फटाफट। चल तो आगे चल। चल चल, मैं चलता हूँ। आ रही हूँ जल्दी। बिल माला माल हो गया, पूरा धन मेरे पास आ गया, पूरा सोना चांदी नोट रुपया सब, अब मैं राजा बन गया, देश करूंगा मैं। देखा आपने हमारी इस कहानी में तीन जिगरी दोस्त, मुन्ना, रवि और किशन। तीनों में बहुत गहरा याराना था, लेकिन इनकी दोस्ती को नजर लगी लालच की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सुना है और पढ़ा भी है, लालच एक बहुत बुरी बला है। मुन्ना को कहीं से नोटों और हीरे जबरात से भरा हुआ बैग मिल गया। इन तीनों ने उस बैग को लेके एक जंगल में उसका हिस्सा बांट करना चाहा, लेकिन हिस्सा बांट करने के दौरान मुन्ना के दिमाग में प्लान आया, क्यों ना मैं इन दोनों को रास्ते से हटा दूं और ये सारी दौलत मेरी हो जाए। मुन्ना ने रवि के साथ मिलके सबसे पहले किशन को मारा, वहीं मुन्ना ने फिर रवि को भी ठिकाने लगा दिया और सारी दौलत अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, ये दौलत पाके उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि वो खुशी के मारे अटैक से मर गया। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, ये दौलत ना कभी किसी की थी ना कभी किसी की होगी, जिसकी अमानत है उसी की रहेगी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, अगली मुलाकात होगी फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट सुजल खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,